रहे हो तो आपने मुरथल के पराठों का नाम बहुत सुना होगा। तो मुरथल सोनीपत में पड़ता है, तो बेसिकली मैं वहां का रहने वाला हूं। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं करता क्या हूं या मैंने क्या किया है, तो राइट नाउ मैं कनाडा में हूं, जो कि वैंकूवर में हूं। ये ब्रिटिश कोलंबिया में पड़ता है, बहुत ब्यूटीफुल कह सकते हो सिटी है ये कनाडा की। तो यहां पे मैं कर क्या रहा हूं, तो आपको मैं कैसे आया था, उसके बाद मेरा वर्क परमिट कैसे हुआ, और फाइनली मेरी पीआर कैसे। सो वेलकम एवरीवन। सो आज की वीडियो में मैं अपना इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। आज की वीडियो में कुछ भी स्पेशल नहीं होने वाला है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में है। मैं क्या करता हूं, मैं कहां रहता हूं, मैं कहां से बिलोंग करता हूं, फैमिली में कौन कौन है, क्या मैंने स्टडी किया था, कनाडा में कैसे आया था, उसके बाद मेरा वर्क परमिट कैसे हुआ, और फाइनली मेरी पीआर कैसे हुई। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको एक आइडिया, एक स्टोरी बताने वाला हूँ अपने बारे में। लेकिन इन फ्यूचर में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं, जिनमें मैं आपको एवरी डे अपडेट करता रहूँगा कि मैं क्या करता हूँ, कैसे जॉब होती है इधर, कैसे पैसे मिलते हैं, और जो भी मेरा डे टू डे रूटीन होगा, तो मेरे वीलॉग में आपको सारी वीडियो मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सो यार देखो, सबसे पहले ये मेरा स्क्रीन नेम है डॉक्टर कॉकटेल, जो आप देख रहे होंगे। फेसबुक पेज भी इसी नाम से है और मेरा चैनल भी इसी नाम से है यूट्यूब पे। तो ये चीजें ना मैंने पिछले साल सोची थी कि मैं वीलॉग बनाने चालू करूंगा, क्योंकि देखो यार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप सोच लेते हो, प्लान कर लेते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर प्लान नहीं हो पाती है। आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, या आप अपना थोड़ा सा मेंटल पीस चाहते हो, या आप अपना थोड़ा सा स्टेबल होना चाहते हो लाइफ में, कि फिर आप फ्रीली माइंड होके आप अपनी चीजें कर पाओ। तो इसलिए पिछले साल सिर्फ मेरी एक ही वीडियो में बना पाया, जो कि मेरे पेज पे भी पड़ी है और वहाँ यूट्यूब पे भी पड़ी है। तो इस साल मैंने सोचा था कि मैं जनवरी से वीडियो बनानी स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिर भी आज 19 तारीख हो चुकी है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 19 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं, क्योंकि यार देखो बाहर आके लाइफ बड़ी बिजी हो जाती है। तो चलो ये बातें बाद में करते रहेंगे, पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा स्क्रीन नेम जो आप देख रहे हो वो डॉक्टर कॉकटेल है, वैसे रियल नेम मुझे संजू के नाम से जानते हैं, जो कि मेरे आस पड़ोस के मेरे फ्रेंड्स सब उसी नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा जो डॉक्यूमेंट में नेम है वो डिफरेंट है, उससे कोई मुझे जानता नहीं है, कोई मुझे पहचानता नहीं है। तो कई बार बड़ी प्रॉब्लम आती है हमें, जब कोई भी पोस्टमैन आके हमारे एरिया में आके पूछता है कि ये बंदा कौन है, क्योंकि मेरे डैड को भी उनके रियल नेम से नहीं जानते थे, उनको दोड़ा बोलते थे। तो इसलिए मेरा नाम संजू है, और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, आपका अगला क्वेश्चन यही होने वाला है। मैं बिलोंग करता हूँ सोनीपत से, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और अगर आपको बिल्कुल ही एग्जैक्ट हिंट दे दूँ, तो मुरथल के पराठे आप सबने खाए होंगे, जितने भी लोग आप एनसीआर रीजन में रहते हो, या पंजाब से भी जो लोग आते हैं ट्रेवल करते हैं, या इवन किसी भी पार्ट से आप आते हो देश में, कहीं पे भी आप नियर बाय किसी भी अदर प्रोविंस में रह रहे हो, स्टेट में रह रहे हो, तो आपने मुरथल के पराठों का नाम बहुत सुना होगा। तो मुरथल सोनीपत में पड़ता है, तो बेसिकली मैं वहां का रहने वाला हूँ। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं करता क्या हूं या मैंने क्या किया है, तो राइट नाउ मैं कनाडा में हूं, जो कि वैंकूवर में हूं। ये ब्रिटिश कोलंबिया में पड़ता है, बहुत ब्यूटीफुल कह सकते हो सिटी है ये कनाडा की। तो यहां पे मैं कर क्या रहा हूं, तो यार आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं पीछे लेता जाऊंगा, क्योंकि मेरे को आपको अपनी लाइफ की हिस्ट्री भी बतानी है कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। आपको ये तो दिख गया मैं कनाडा हूं, लेकिन मैं यहां तक पहुंचा कैसे, ये भी तो क्वेश्चन आपके मन में आएगा ना। तो यहां तक पहुंचने की एक लंबी जर्नी है, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूं 2018 से, जब मैं कनाडा आया। तो फर्स्ट टाइम मैं लैंड हुआ था कनाडा में 16 जनवरी 2018 को। मैं स्टूडेंट वीजा पे आया था, मैं मास्टर्स करने आया था, जो कि मैंने न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की थी। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी जो कि यूएस से एफिलिएट थी, इसका मेन कैंपस यूएस में था। और इसमें मैं मास्टर्स करने आया था साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि मैंने साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सारा साइबर क्राइम से रिलेटेड है। मेरे पास एक अदर मास्टर्स भी है जो मैंने इंग्लैंड से की थी, यूके से की थी, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम से। तो वहां से मेरी मास्टर्स है, जो कि मेरी कंप्यूटर फोरेंसिक में। तो मैं 2018 में आया, दो साल की मेरी मास्टर्स थी। 2019 दिसंबर और जनवरी 2020 में आप कह सकते हो मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया था, तो मैंने वर्क परमिट लिया था फेब 2020 में, और मेरे को जॉब ऑफर हो गई थी मार्च 2020 में। तो मैंने अपनी ही लाइन की, अपनी फील्ड की जॉब की है। मैंने पहले एक दूसरी कंपनी ज्वाइन की थी, नाम मैं नहीं बताऊंगा, बट हाँ मैंने साइबर सिक्योरिटी में वहां पे एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट वर्क करता था। उसके बाद मैंने अपनी जॉब चेंज करके अभी मैं एक रिसेंटली दूसरी कंपनी में आया हूँ, 6 महीने मुझे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ। तो बेसिकली सारा टोटली रिलेटेड टू साइबर क्राइम है,
जो कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो मेरी फील्ड है। तो अब आपको थोड़ा सा 250 ग्राम पीछे ले चलता हूँ 2018 के बाद। 2018 से पहले मैं कहाँ था, आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा। तो 2018 से पहले मैं इंडिया में था, वहां मैं 1.5 साल मैं रहा हूँ इंडिया में। वो रीजन था उसके पीछे रहने का, क्योंकि मैंने अप्लाई किया हुआ था कनाडा। उससे पहले मैंने यूएस किया था लेकिन मेरा रिजेक्ट हो गया था। तो यार देखो, यूएस का इतना इजी नहीं है वीजा लेना, वो भी स्टडी, वो किस्मत है, वो लक है। मेरा लक हमेशा से, मैं ये कहता हूँ कि खराब नहीं है, बट स्ट्रगल है मेरे लक में, जो कि मैं आपको जब बताऊंगा ना इन फ्यूचर वीडियोज में, आप देखोगे तो आपको समझ आएगी मैं ऐसा क्यों बोलता था। तो उससे पहले मैं इंडिया था 1.5 साल। तो अब आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूँ 250 ग्राम। अब बात करते हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, इंग्लैंड की। मैं वहां पे क्यों गया, मैं वहां पे 2015 में गया था जनवरी में, और 2016 में मैं ऑलमोस्ट नवंबर के आसपास मैं वहां से आया हूं। तो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स मैंने वहां पे स्पेंड किए हैं। मैंने वहां से भी मास्टर्स डिग्री की थी, जो कि कंप्यूटर फोरेंसिक से की थी, जो मैंने अभी पहले बताया आपको। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर फोरेंसिक में। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एरिया है हमारी इंडस्ट्री में, लाइक आईटी में, या आप कह सकते हो एक आईटी इंजीनियर के लिए जो साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा, मतलब जिस लाइन में है। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल हैं कि आप इस लाइन में, किस लाइन में जा रहे हो। तो कंप्यूटर फोरेंसिक भी एक मॉड्यूल है साइबर सिक्योरिटी का। उसमें हमें क्या सिखाया गया था, उसमें हमें मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, जो भी चीज़ें हैं उनको सीज करना, उनकी रिपोर्ट बना के कोर्ट में पेश करना, लाइक जो इन्वेस्टिगेशन होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह फोरेंसिक की टीमें आती है, एक आती है फोरेंसिक साइंस की, जो कि डॉक्टरी से रिलेटेड होती है, जो पोस्टमार्टम या एविडेंस इकट्ठा करती हैं किसी मर्डर के बारे में, कोई भी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी, यानी एक हाई प्रोफाइल केस में। और एक होती है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की टीम होती है, जो कि यूके में तो बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी वैल्यू है, यहाँ पे भी वैल्यू है बट यहाँ पे नहीं है इतनी, वहाँ पे ज़्यादा है। तो वहाँ पे वो पुलिस के साथ मिलके करते हैं, क्योंकि कोई भी मर्डर होता है, कोई क्राइम होता है, कोई ड्रग्स का कुछ ऐसा होता है, तो उसमें क्या होता है, मोबाइल डिवाइस और वो सब सीज करके उनसे एविडेंस निकालने होते हैं, उनसे जितने भी उनके मैसेज डिलीट हो चुके हैं वो सब चीज़ें। तो वो वाला एरिया मैंने जो था वो वहाँ से किया था कंप्लीट, जो मेरी मास्टर्स थी, वो है साइबर कंप्यूटिंग, फोरेंसिक कंप्यूटिंग की, सॉरी साइबर सिक्योरिटी यहाँ से किया है, जो एड ऑन किया मैंने उसी अपनी फील्ड में। तो वो मैंने 2015 में, मैं जनवरी में गया था, और मैं नवंबर के अराउंड में 2016 में आया हूँ। 2 साल मैंने वहाँ की, बड़ा अच्छा टाइम रहा था। मेरी सिस्टर वहाँ पे होती थी, रहती थी, लेकिन वो अभी इंडिया है, वो आ गई थी वहाँ से मेरे आने के बाद, तो इसलिए मैं वहाँ पे गया था। अब वहाँ पे मैं क्यों गया, मैंने बीटेक की थी। अब आपको थोड़ा सा मैं 2-3 साल पहले और ले जाता हूँ। 2008 से 2012 का जो बैच था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, DITM, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज पढ़ता है गन्नौर में, वहाँ से मैंने IT से अपनी जो है बीटेक कंप्लीट की थी, जो कि 4 साल की डिग्री थी। तो 2012 में मैंने सोचा कि मैं जॉब वगैरह कर लेता हूँ, जब पास आउट हो गया था मैं जॉब करने भी गया, लेकिन उस टाइम पे डेंगू का बड़ा केसेस फैल रहे थे, तो मेरे को बुखार हो गया, फीवर हो गया। तो फैमिली में मैं सबसे छोटा हूँ, इकलौता था, 2 बहनें हैं, दोनों मैरिड हैं। तो घर वाले बोले कि चलो भाई ठीक है, बाद में कर लेना, हमें नहीं करवानी जॉब, डेंगू हो रखा है, तू घर आ जा। वो मुझे घर ले आए, वो जॉब छूट गई मेरी। उसके बाद मेरा मन भी नहीं था वैसे प्राइवेट जॉब करने का, और उधर से दीदी मुझे कह रही थी तू बाहर आ जा, बाहर आ जा। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ भी थी कि मुझे बाहर जाना है। लेकिन क्या हुआ कि मैं नहीं गया, मैंने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी। तो एक CGL एग्जाम होता है, कॉमन ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम, जो SSC के थ्रू होता है, SSC बोर्ड उसको कंडक्ट करवाता है। तो मैंने, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और किसी ने वो एग्जाम दिया है या उसको पता उसके बारे में, तो एक 2013 और 2012 का एक एग्जाम था जो 2015 में आके री एग्जाम हुआ था, आपको याद होगा। दोनों पेपर हो गए थे, लेकिन किसी ने केस कर दिया था, किसी ने स्टे ले लिया था, और केस करके उसके पास एविडेंस थे, तो उन्होंने बोला था कि ये पेपर लीक हो चुका है पहले से, तो ये पेपर री एग्जाम करना पड़ेगा। तो उस वाले बैच में मेरा हो गया था, मैं इंटरव्यू की वेट कर रहा था, मेरी दोनों लिस्ट, मेरे नंबर अच्छे आए हुए थे, 435 मेरे आए हुए थे, आई गेस 430 और 440 पे लिस्ट लगती थी, और जो भी आपने भर रखा है उस कैटेगरी के लिए। तो मैंने वो वाला एग्जाम मेरा ऑलमोस्ट पास आउट हो चुका था, मैं, मतलब मेरा सिर्फ इंटरव्यू रहता था। लेकिन इस बीच में, कहते हैं ना, मैंने वीडियो से स्टार्टिंग में कहा था कि पता नहीं चलता कब लाइफ में क्या हो जाए, तो वो चीजें मेरे साथ होती गई। और 2014 में मेरे डैड एक्सपायर हो गए। तो जैसे ही मेरे डैड एक्सपायर हुए, तो हमें नहीं पता था वो
अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, सारी चीजें ऐसी थी। और एक लड़का जो घर पे पड़ा है, जो चिल कर रहा है, जिसको पता ही नहीं कहाँ से कमाना है क्या करना है, वो अपनी मस्ती कर रहा है, और उसके लिए ये बहुत बड़ा टाइम होता है। आप सोच के चलो कि घर पे अब जिम्मेवारी मेरे सर पे आ गई थी सारी जिम्मेवारी। तो मैं इतना बड़ा हुआ नहीं था कि मैं संभाल पाऊं, उम्र में बड़ा हो गया था लेकिन दिमाग से मैच्योर नहीं हुआ था कि मेरे को संभालना है कुछ। तो मैंने क्या सोचा कि यार अब क्या करें, तो पापा एक्सपायर हो गए। और उसी के एक दो महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि एग्जाम री एग्जाम होगा, ये वो एग्जाम कैंसल है, वो माना नहीं जाएगी। तो यार मेरे तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, इवन घर वालों को ये लगा क्या करेगा। तो मेरी सिस्टर जो यूके में थी, उसने मुझे फोर्स किया, सजेस्ट किया, मुझे गाइड किया कि तू यहाँ आ जा, यहाँ पे तेरा सब ठीक हो जाएगा, हम है कोई बात नहीं, तू पढ़ने आ जा, ये सबसे बेस्ट है, और तू अच्छी जॉब करना इधर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहां चला गया था तो मैंने 2014 सितंबर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आईएलटीएस की, जो कि बाहर जाने के लिए देना पड़ता है। लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी ने उसकी रिक्वायरमेंट नहीं मांगी जब मेरा एडमिशन हुआ, वो मैंने बस वैसे ही दे दिया। क्योंकि उस टाइम पे ये था, और आज भी ऐसा होता होगा कि जिसके 12th में या बीटेक में या डिग्री में इंग्लिश में 80% से ज्यादा नंबर होते हैं, यानी 80 मार्क्स से ज्यादा होते हैं, उनका आईएलटीएस नहीं ले रही थी उस टाइम पे मेरी यूनिवर्सिटी। तो मैंने पास आउट हूँ, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी पढ़ती है जो कि बर्मिंगम के नियर बाय इंग्लैंड में पढ़ती है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी है। वहां से मेरी मास्टर्स है कंप्यूटर फोरेंसिक से। तो जब वहां पे गया तो वो कहते हैं ना, किस्मत में जब लिखे हो धक्के तो तुम्हें कौन चेयर पे बिठा के खिला सकता है, धक्के ही खाने पड़ेंगे। मैं वहां गया, पहले री एग्जाम हुआ, फिर मैं उसके बाद मैं वहां गया। तो वहां जाने के बाद क्या हुआ, एक वहां पे होता था पोस्ट स्टडी वर्क परमिट PSWP, वो उस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया मेरे वहां जाने के बाद, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप स्टडी को ही एक्सटेंड करवा सकते हो, वीजा यहां से नहीं मिलेगा। अगर आपको वर्क परमिट लेना है तो आप बैक होम अपनी कंट्री जाओ और वहां से अप्लाई करो, तभी मिलेगा। तो उस बीच में मेरे फ्रेंड्स ने, बहुत सारों ने ये भी बोला कि यार तू ऐसा कर, तू अपना यहीं पे रह जा, फौजी बन जा। फौजी का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, गैरी संधू के सॉन्ग्स में फौजी वर्ड बहुत ज्यादा यूज करता है वो। तो फौजी का मतलब होता है जो यूके, ये स्लैंग है यूके की, जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके पास कोई भी पेपर वर्क नहीं है, वो बंदा वहां पे फौजी कहलाता है, उसको हम फौजी बोलते हैं, या वहां की स्लैंग में वो फौजी बोलते हैं वहां के लोग। तो इसलिए वहां पे मेरे बहुत सारे फौजी फ्रेंड थे, लाइक फौजी तो नहीं कहूंगा, मेरे फ्रेंड थे, लेकिन वो फौजी हो गए थे किसी की मजबूरी से, या सेम सिचुएशन जैसे मेरे साथ हो रही थी उसी की वजह से। तो उन्होंने बोला कि तू मत जा वापस, लेकिन मैंने डिसाइड किया जब मेरा वीजा खत्म होने वाला था, मैंने खूब ट्राई किया, जॉब मेरे पास थी, जॉब ऑफर थी मेरे पास, क्योंकि मैंने बताया वहां पे बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा वैल्यू है इस जॉब की, इस स्टडी की। तो मैंने वो चीजें वहां से ड्रॉप आउट करके मैंने सोचा कि यार फौजी तो नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि पीछे मम्मी अकेली है, मैं अकेला हूं, और मुझे ये सब करना भी नहीं है, पैसा नहीं है, मुझे अपना लाइफ क्वालिटी लाइफ जीनी है। तो मैं वहां से वापस आ गया, मैंने डिसाइड किया, मेरे फ्रेंड्स ने बड़ा रोका, नहीं हुआ, इंडिया आ गया। तो इंडिया आके फिर मैं 1.5 साल मैंने दोबारा से ट्राई किया, जिसमें मेरा अमेरिका का भी रिजेक्ट हुआ, कनाडा के भी मेरे 3 वीजा रिजेक्ट हुए, चौथी बार में मेरा कनाडा का अप्रूवल हुआ है, यानी सेम यूनिवर्सिटी सेम एडमिशन 4 बार मैंने बैक टू बैक अप्लाई किया है। तो कहते हैं ना, हिम्मत जो नहीं हारते उनकी कभी हार नहीं होती, वही हमारे केस में आपके सामने मैं बैठा हूं। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, मेरे से किसी भी टाइम आप पूछ सकते हो, और आपको मैं प्रूव दे सकता हूं कि मेरे साथ ये सब हुआ, और उसके बाद मैंने फाइनली यहां पे PR ले लिया, और अभी मैं यहां पे साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूं, अच्छा पैकेज है, कहते हैं ना व्हाइट कॉलर जॉब है यार, इससे यहां की लाइफस्टाइल अलग हो जाती है अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हो। और इसके साथ साथ मैं पार्ट टाइम भी बहुत कुछ करता हूं, वो सब चीजें मैं आपको अगली अपनी इन फ्यूचर की वीडियोस में मैं बताता रहूंगा। आज की वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारी मेरे बारे में कि मैं पीछे कब से लेके और कब तक मैंने क्या किया, मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, और फिर मैंने वर्क परमिट के बाद PR, एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मेरी PR कैसे हुई वर्क परमिट के थ्रू, और मैंने किसी को कुछ पे नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी की फीस पे करके खुद ही अप्लाई किया था PR के लिए, और मेरी PR खुद ही आ गई थी। तो ये सब आज की वीडियो के लिए इनफ है, वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 13 मिनट की वीडियो हो गई है, मैं चाहता नहीं इससे ज्यादा वीडियो मैं बनाऊं। और मेरी फैमिली के बारे में मैं भूल गया, एक चीज और आपको बता देता हूँ, मेरी फैमिली में मैंने बताया था मेरी 2 सिस्टर हैं, दोनों मैरिड हैं, और जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, जो मेरे जीजा जी हैं, वो एक पुलिस में है, जो कि बड़े स्ट्रिक्ट टाइट किस्म का आदमी होता है पुलिस का इंसान, बट वो वैसा है नहीं, वो बड़ा हसमुख और बड़ा समझदार इंसान है, बड़ा सुलझा हुआ, तो वो है। और 2 मेरी नीस है, बड़ी सुंदर सी, क्यूट सी,
एंड में, मैं वीडियो के एंड में दो चार उनकी क्लिप या मेरे पास मिल गई तो मैं जरूर डालूंगा, नहीं तो यार अगली वीडियोस में मैं जरूर डालूंगा। दो मेरी नीस है, एक का नाम नोनू है बड़े वाली का, जो बड़ी ही शरीफ है, मेरे पे है, मैं शरीफ ही हूँ। जो छोटे वाली है वो बड़ी शैतान है, वो हरामी, जिसको कहते हैं ना, एक हरामी वर्ड बोलते हैं हमारे उसमें, वो है, जैसे कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाल, वो वाला सिस्टम उसके साथ है। उसका नाम है मीठी, जितनी उसकी शक्ल से आपको उसको, हमने उसकी शक्ल देख के मीठी नाम रखा था उसका, अब वो उतनी ही कड़वी है हमारे लिए। वो मेरी नीस है दो। एक सिस्टर की मेरी शादी अभी हुई थी 3-4 साल पहले, और एक बहुत अच्छी खुशखबरी मैं दे दूंगा इन फ्यूचर में, उन्होंने भी ट्राई कर रखा है बाहर आने के लिए, अगर उनका होता है तो आपको उनकी प्रोसेस भी बताएंगे, उनसे भी मिलवाऊंगा। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली इंडिया से वापस आया हूँ, 2-3 महीने में वहाँ पे रुका था, इसीलिए पिछले साल जो वीडियो बनाने का सोचा था वो नहीं बना पाया, लेकिन अब आपको वीडियोज मिलेंगे। तो अगर आप अभी तक देख रहे हो इस वीडियो को, आपको अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला कि हाँ मैंने कितनी बार मेरे में ड्रॉप आउट हुए, स्ट्रगल हुई, काफी चीजें हमने फेस की, एकदम से मैंने, मतलब आप ये कह सकते हो 2014 से मैंने हाथ में अपने कमान संभाली थी, अपनी परिवार की, अपनी लाइफ की, और आज 2021 में और 22 में, सॉरी 21 चला गया, 22 में आज मैं टोटली सेटल्ड हूँ। टाइम लगा क्योंकि जो मैंने पहले टाइम वेस्ट कर दिया बैठ के कि गवर्नमेंट लिस्ट लगाएगी, 2 साल में वेट करता रह गया घर बैठ के, मैंने कोई जॉब नहीं की, कोई एफर्ट्स नहीं डाला कुछ बिजनेस करने का, वो वाले मुझे दुखते हैं। तो आज मैं सेटल हूँ और आज सब कुछ ठीक है। आपको अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी या कुछ भी आपको लगता है, तो जरूर इस चैनल को फॉलो भी करना, इस फेसबुक पेज को भी फॉलो करना, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मैं एवरीडे की वीडियो मैं डाला करूंगा, हर रोज मैं क्या करता हूं, कैसी लाइफस्टाइल है, कुछ नई नई चीजें जो एडवेंचर में करता हूं, सब कुछ इस पे मिलेगा। तब तक के लिए आपको गुड बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं दोबारा। और हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि जब भी मिलते हो और जब भी जाते हो तो आप कैसे उनको ग्रीट करते हो, तो हम कहते हैं राम राम। तो भाई सब भाइयों को राम राम, और जो भी देख रहा है सबको राम राम, छोटे बड़े बूढ़े सबको राम राम। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।